हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपका वीक अच्छा जा रहा है। मंडे ब्लूज खत्म हो गए हैं, अच्छे से सेटल हो गए हैं इस वीक में। सो चलिए देखते हैं कि आज शाम को आपके साथ एक मस्ती भरा ताजा फ्रेश एपिसोड खेलने के लिए कौन से चार धुरंधर खिलाड़ी आने वाले हैं। मिलते हैं हमारे फर्स्ट पार्टिसिपेंट से। हेलो जूही जी, कैसी हैं आप? हेलो पूर्वा। हेलो ललित जी, कैसे हैं आप? हाय मैम, मैं बस बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया है। हेलो अंकिता जी, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम आल्सो फाइन यार। सो अंकिता जी, एक्साइटेड है आज के गेम के लिए? या डेफिनेटली, बहुत बहुत एक्साइटेड। हां एक्साइटेड हूं मैडम। क्या बात है। सो ललित जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं और आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मेरा नाम है रविंद्र कौड़े, मैं हूँ बैतूल से, मध्य प्रदेश। मैं रहती हूँ कोलकाता में। माय नेम इज जूही दत्त। ओके, मैं अंकिता गुप्ता, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। आई एम ललित माखीजा, आई एम फ्रॉम कोल्हापुर, गांधीनगर, महाराष्ट्र। और मैं एमबी पुलिस में जॉब करता हूँ। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। बाय प्रोफेशन एक एकेडमिशियन हूँ। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है और कुकिंग पसंद है। जब फ्री टाइम रहता है तो थोड़ा कुकिंग कर लेता हूँ और थोड़ा बहुत स्केचिंग कर लेता हूँ। फ्री टाइम रहता हूँ तो मैं हमेशा लूडो ही खेलता हूँ। मेरा हॉबीज है लूडो खेलना, मतलब छोटे से मैं बस लूडो लेके बैठती हूँ। लोग मेरे घर वाले कभी कभी परेशान हो जाते हैं। किसके साथ खेलती हैं आप ये लूडो किंग, जरा बताइए। मैं फैमिली के साथ भी खेलती हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी खेलती हूँ। अधिकतर दोस्तों के साथ करता हूँ। लूडो के साथ में हम खेल लेते हैं तो बातें भी हो जाती हैं। ओके ग्रेट। सो अगर आपको याद होगा बचपन में वो एक बोर्ड गेम आता था लूडो का, वो खेला है कभी आपने? हाँ हाँ, जब हम छोटे थे वही खेलते थे। हाँ बहुत खेला है। मैं बेसिकली मैं अपनी दादा दादी नाना नानी के साथ बहुत खेल चुकी हूँ। हाँ बहुत बहुत खेला है मैम। क्या बात है। तो उससे जुड़े कुछ अगर किस्से होंगे, कुछ कहानियां होंगी तो प्लीज शेयर कीजिए हमसे। उससे कई बार ऐसा होता था कि कोई प्लेयर पॉज करके एक बार कहीं चला गया तो हम उसकी गोटी आगे पीछे कर देते थे। मैं चीटिंग भी कर चुकी थी, बोर्ड गेम है ना, थोड़ा जो होता है बदमाशपन के छोटे में तो खेल रहे कि एक गोटी को मतलब टोकन को ऐसे कर लिए, शायद वो समझते नहीं थे या फिर समझ के भी हम लोगों को ऐसे शेयर देते जाते थे, करते जाओ बेटा तुम लोग। पता नहीं बस ये बहुत बदमाशी। कहते हैं गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल रहता है तो फेस्टिवल में कैसे नाइट आउट वगैरह प्लान होते रहते हैं फ्रेंड्स के साथ की नाइट आउट करेंगे ऐसा वैसा, तो सभी के टाइम पे कैसे हम लोग कैसे बोर्ड गेम खेलते हैं तो जो लास्ट में समझो हार गया तो उसको कैसे नाइट आउट का जो भी रहेगा ट्रीट वो उसको देना पड़ता है, या उनका चांस चल देते थे, उनकी सारी गोटियां चला देते थे कि चलो किसी तरह हम उसको कट कर देंगे। बेसिकली चीटिंग कर सकते थे है ना। अब इसमें ये ऑप्शन नहीं है। अब इसमें ये ऑप्शन नहीं है, ऑफ कोर्स लूडो किंग में तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऑनेस्टली खेलना पड़ता है। सो ये जो लूडो किंग कब से खेल रही है अभी आप? दो साल हो गए, दो या तीन साल हो चुके। लूडो किंग तो मैम देखो अभी लास्ट लॉकडाउन जैसे हुआ है ना तो सब लोग कैसे मिलजुल नहीं पा रहे इतना लॉकडाउन की वजह से जी। तो तभी से थोड़ा थोड़ा कैसे फ्रेंड से यानी थोड़ा बहुत काम होता है इसके लिए स्टार्ट किया कि फ्रेंड से मिलेंगे थोड़ा बहुत ये जो पुरानी मेमोरीज है उसको ये करेंगे रिवाइंड करेंगे। लॉकडाउन से मैंने शुरू किया लूडो किंग खेलना। लॉकडाउन से शुरू किया। ओके सो चलिए, अगर आज का गेम आप जीत जाते हैं तो आप जीतेंगे 10,000 रुपीज के गिफ्ट को, ये तो पता ही होगा आपको। लेकिन आप हमें ये बताइए कि अगर ये सच हो जाता है, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको कैसे लगेगा और आप क्या करेंगे आपके इस 10,000 रुपीज के गिफ्ट को पर का? मतलब पहले तो थोड़ा नाच लूंगी, नाचना तो है ही। बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं 10,000 जीत जाती हूँ तो, और अगर जीत जाती हूँ तो ऑब्वियसली बात है शॉपिंग तो सबके लिए तैयार रहती है, सारी फुलफिल करूंगे। तो अभी मिलेंगे तो बहुत खुश होगा और कैसे उन कूपन से जो भी रहा मेरे बच्चे के लिए समझो वो मैं मंगा के दूंगा, जो वो बोलेगा उसको मंगा के दूंगा। यस क्या करूंगी सोचा नहीं, सोचूंगी बाद में सोचूंगी, पहले तो जीत जाना है। सो चलिए ऑल द बेस्ट आपको, देखते हैं क्या होता है ना ललित जी। लेकिन आपको तो पता है कि गेम है और जैसे आपने बोला कि आपके यहाँ पे जो हारता था उसको देनी पड़ती थी ट्रीट, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे है कि अगर आप हार जाते हैं मतलब आप फोर्थ भी अगर आ जाते हैं तो भी आप हारते नहीं क्योंकि हम किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना पसंद करते, तो हम फिर भी आपको 1000 रुपीस के गिफ्ट कूपन तो देंगे ही देंगे। तो अगर आप फोर्थ आ जाते हैं तो आपको कैसे लगेगा? देखो दुख तो होगा, ये तो झूठ नहीं बोलूंगी कि दुख नहीं होगा। ये तो भी कैसे नेचुरली है, जस्ट गेम है, जस्ट गेम के जैसे प्ले कर रहे हैं,
जो जीता वो अच्छा, जो लास्ट है वो भी अच्छा ना। तो आप जैसे बोल रहे 1000 तो आएंगे ना, तो 1000 कुछ ना कुछ तो आ जाएगा ना। ऑलवेज जीतना तो नहीं, किसी को तो हारना भी है, एक जीतेंगे एक हारेंगे, इट्स ओके। बुरा तो लगेगा बट कोई बात नहीं, ट्राई किया है, खेला है, एंजॉय किया है, वो भी एक पार्ट है। सो चलिए, ऑल द बेस्ट आपको आज के गेम के लिए और जल्द ही मिलते हैं आपसे। और तब तक आप रेडी हो जाइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको बोल दीजिए, वोटिंग करने के लिए बोल दीजिए। हाँ, बोल दिया ना मैम। ग्रेट यार, चलिए फिर तो सारी तैयारी हो गई, अभी बस गेम शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट आपको, शाम में मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू, जल्दी आपसे। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, ये हैं हमारे आज के 4 प्लेयर्स और आई थिंक बहुत ही मजा आने वाला है आज के मैच में। सबकी जो खासियत है, जो चीटिंग करी है सबने बचपन में, देखते हैं कि अभी गेम में वो क्या करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं इन सब से और आप सब से शाम को 7 बजे लूडो किंग शो चैनल पे, यूट्यूब के चैनल पे ऑफकोर्स। तब तक आप खेलते रहिए लूडो किंग।